एंजल ऑफ डेथ। अब भाई लोग, दुनिया में स्टैचू तो हर चौराहे में ही मिल जाते हैं, लेकिन खून से लथपथ चाकुओं के पुतले के बारे में क्या आपने कभी सुना है? और चाकू भी कैसे, जिससे किसी का खून किया हो या किसी को मारा हो? वेल, 24 फीट के स्टैचू को स्कल्पचर आर्टिस्ट एल्फी ब्रैडली ने पूरे 2 साल लेकर 1,00,000 चाकुओं से बनाया, जिसे उसने 43 अलग अलग पुलिस फोर्सेस से कलेक्ट किया है, और इनमें से कई चाकुओं पर अभी भी ताजा ताजा खून लगा हुआ है। लिटरली खून से लथपथ है, और इन चाकुओं पर चाकू से मारे जाने वाले विक्टिम्स के नाम भी लिखे हैं, और वो भी उनके फैमिली मेंबर्स की मंजूरी के साथ। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात बताओ, जहाँ एंजल वर्ड पॉजिटिविटी और लव को रिप्रेजेंट करता है, वहीं खून से लथपथ चाकू डेविल की निशानी है। अब भला ऐसे खून से लथपथ चाकुओं से बने स्टैचू को कोई एंजल कैसे कह सकता है? शायद यही वजह है कि क्यों नाइफ मर्डर के कुछ फैमिली मेंबर्स ने इसका विरोध किया। अब ऐसे खून से लथपथ चाकुओं से बने स्टैचू को भला कोई एंजल कैसे कह सकता है? क्या उस आर्टिस्ट का मानसिक संतुलन ढीला तो नहीं?